हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रसायन विज्ञान क्लास 12th में हमारा केम फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो देखिए उसके बारे में हमने जो कल पढ़ा था, हमने जो कंप्लीट किए थे, हमारे चले थे बिंदु दोष। तो मैंने आपको बताया था कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मैंने आपको बताया था रस समीकरण मितीय दोष, एक बताया था अरस समीकरण मितीय दोष। और मैंने आपको रस समीकरण मितीय दोष ही बताए थे, वो चार प्रकार के होते हैं, रिक्ति का दोष, अंतरकाशी दोष, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। तो देखिए कल हमने बात की थी रिक्ति का और अंतरकाशी दोष हमने कंप्लीट किए थे, मैं आपको एक बार फिर से इन्हें बताऊंगा और आज जो है हम इन दोष को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए रस समीकरण मितीय दोष, ऐसी त्रुटियां या दोष जिनके कारण क्रिस्टल की रस समीकरण मितीय अपरिवर्तित रहती है, अर्थात यौगिक में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, रस समीकरण या त्रुटियां या दोष कहलाती है। अगर किसी भी क्रिस्टल में से हमारे ऋणायन या धनायनों में कोई भी अगर चेंज होता है तो वो उनके सहयोग से होता है। जितने हमारे ऋणायन विलुप्त होते हैं उतने हमारे धनायन होते हैं। तो हमारे क्रिस्टल की जो हमारी संरचना होती है वो अपरिवर्तित रहती है और उससे उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहा जाता है, रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। देखिए चलते हैं, बात करते हैं ये नंबर एक, ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक की बात करते हैं हम, रिक्तिका दोष। यहाँ पर तो हमें मुख्य दो प्रकार के होते हैं लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो चार पढ़ने वाले हैं। रिक्तिका दोष मैंने आपको बताया था, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। देखिए समझिए, अगर किसी क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। और इस दोष के कारण क्या होता है, पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। साधारणतः पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, इस कारण इसे ऊष्मगतिक दोष के नाम भी दिया गया है। देखिए मैं इसकी संरचना बनाई है, यहाँ पर क्रिस्टल बनाया हुआ है, यहाँ पर एक को देखिए हम प्लस मान सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ देखिए यहाँ से जो ये हमें ब्रैकेट दिए हुए हैं, यहाँ से एक माइनस वाला जो हमारा अभिकरण है और एक यहाँ से प्लस वाला है, दोनों समान, उसमें एक एक प्लस और एक एक धनायन और एक एक ऋणायन यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। तो इसके कारण जो उत्पन्न हमारा दोष होता है वो क्या होता है, हमारा रिक्तिका दोष कहलाता है। बात करते हैं अंतरकाशी दोष, क्रिस्टल जालक में जब कोई अभिविकर्ण जालक के अंतरकाशी स्थल में आ जाता है तो उत्पन्न दोष अंतरकाशी दोष कहलाता है। इस दोष में सामान्यतः क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। देखिए कैसे बढ़ जाता है, अब बात कर रहे थे हमने जैसे क्रिस्टल बनाया हुआ, तो यहाँ से जो यहाँ पर जो हमने बात की थी रिक्तिका दोष की, यहाँ से जो हमारे धनायन ऋणायन उपलब्ध होते हैं वो निकलकर बाहर चले जाते हैं समान संख्या में, जितने ऋणायन हो विलुप्त होंगे उतने ही धनायन। लेकिन जब बात हम अंतरकाशी करते हैं तो वहाँ से ऋणायन और धनायन अपना स्थान छोड़कर जो ये होते हैं इन्हें बोलते हैं अंतरकाशी स्थान, इनमें आ जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा क्रिस्टल जाल का घनत्व बढ़ जाता है और इससे उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहा जाता है, अंतरकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर थर्ड की, शॉर्ट की दोष। देखिए वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित स्थानों के कारण होता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। बिल्कुल देखिए जैसे रिक्तिका दोष की हमने बात की थी, वैसे ही जो हमारे क्रिस्टल होता है उसमें से समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन क्या होते हैं, वो वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, रिक्त स्थान हो जाता है और उस इससे प्राप्त होने वाला दोष हमारा कौन सा कहलाता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। ठीक है, और इस दोष की खोज की थी वाल्टर हरमान शॉर्ट की नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 में की थी। देखिए इस प्रकार के दोष के होने के लिए क्या आवश्यक कारण होते हैं, कि यह यौगिक क्या होता है, उच्च आयनिक हो, उसमें समन संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए, और जो धनायन और ऋणायनों का जो आकार होता है वह लगभग कैसा होता है, समान होता है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे NaCl हमारे पास है, तो जो Na प्लस होगा और जो Cl इसमें माइनस होगा, उन दोनों का आकार क्या होगा, यहाँ पर लगभग लगभग समान होता है। देखिए बात करते हैं जालक से, हमने मैंने एक जालक में यहाँ पर देख दिया हुआ है, इसमें देखिए समान संख्या प्लस माइनस करके एक जालक बनाया हुआ है,
यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से देखिए एक धनायन विलुप्त है तो यहाँ से एक ऋणायन विलुप्त है, यहाँ से एक धनायन विलुप्त है तो यहाँ से एक ऋणायन विलुप्त है। तो अब यहाँ देखेंगे ये जो हमारे